भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा छत्तीसगढ़ में 21 प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति ने छत्तीसगढ़ में 21 प्रत्याशियों को घोषित कर उन्हें जन जन तक पहुँचने के लिए भरपूर समय दिया है। नए और पुराने चेहरों को मिलाकर इन नामों की घोषणा के बाद प्रत्याशियों और जनता में उत्साह है। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दिए गए वक्तव्य पर कहा कि खास और आम की बात तो चुनाव के दौरान और नतीजों में पता चलेगी दाऊ जी, लेकिन आज 21 सीटों पर प्रत्याशी घोषित होने के बाद जो वातावरण छत्तीसगढ़ में निर्मित हो रहा है वो निश्चित ही हमारे पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति ने 21 भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को घोषित किया है और ये घोषित करने के पीछे कारण था कि प्रत्याशी को पर्याप्त समय मिले। आखिरी बूथ तक हमारा प्रत्याशी जाके सीधे सीधे जनसंपर्क करे, इस दृष्टि से इन नामों को, और ये ऐसी सीटें हैं जहाँ पिछले बार लगातार दो बार से हम हार रहे हैं। मुझे लगता है एक रणनीति के तहत और एक तथ्यात्मक सर्वे के बाद, सर्वे हो चाहे केंद्र के केंद्रीय संगठन के द्वारा हो, प्रदेश के संगठन के द्वारा हो, जिले की टीम ने जो नाम रिकमेंड किए उस आधार पे हो, या अन्य क्षेत्रों से लोगों ने जो नाम का अनुशंसा किया है उस आधार पे जीत की संभावनाओं को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने इन प्रत्याशियों का चयन किया। उसमें से काफ़ी नए चेहरे भी हैं, पुराने। खास और आम की बात तो चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद पता चलेगा, मगर प्राथमिक जो प्रतिक्रिया पूरे प्रदेश से आ रही है, उस प्रदेश की प्रतिक्रिया बहुत ज़्यादा उत्साहजनक है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है और निश्चित रूप से एक वातावरण का निर्माण पूरे प्रदेश में 21 सीटों के घोषित होने के बाद बना है।